दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि उन्होंने जो आम का बीज है वो लगाया था, जिसको हम गुठली कहते हैं, और वो उनका ग्रो नहीं हुआ। तो पता नहीं उन्होंने कैसे ग्रो किया था, तो मैं आज बताता हूँ आपको कि हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप आम की गुठली ले लें और इसको साफ कर लें। ये काफी हार्ड है तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, और ये अगर आप ताजा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा सा खोलना होगा। इसका इजी मेथड यही है कि आप इसको देखिए, इसको इस तरह से काट के, ये इसकी झिल्ली है जो हमने निकाल ली है, ये इस झिल्ली के अंदर बंद है। अब हम इसको ग्रो करेंगे। तो इसके लिए जो मैं सॉइल यूज करूंगा वो गार्डन सॉइल है, तो हम पहले इसमें सॉइल ऐड कर देते हैं। अब हम जो सीड है इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे नॉर्मली। इसके बाद हम इसके अंदर सॉइल और डाल देंगे। अब इसको हल्का हल्का प्रेस कर दें, ज्यादा नहीं दबाना इसको, सिर्फ हल्का हल्का दबा दें। और इसके बाद गोबर का खाद लें और इसके ऊपर डाल दें। अब इसमें पानी डाल दें। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये आम ग्रो होगा इस पे फ्रूटिंग अगर आपको लेनी है तो इस पे ग्राफ्टिंग करनी होगी, और ग्राफ्टिंग का वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा। और अगर आप इस पे ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो बिना ग्राफ्टिंग के इसको फैलाने में काफी समय लग सकता है। ओके दोस्तों, तो जो आम का जो बीज है वो हमने इसमें लगा दिया है। अब मैं इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगा और इसकी अपडेट के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ओके दोस्तों, आपको याद होगा हमने जो आम का जो बीज है जिसको यहाँ पे गुठली बोलते हैं वो इस पॉट में लगाई थी। देखिए, वो उसने जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कर दी है, हालांकि यहाँ पे बारिश स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि हमने इसका जो ऊपर का कवर है यानी कि ऊपर का जो छिलका है बीज का वो हमने हटा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी ग्रो हुई है, अदरवाइज ये टाइम लेती। अगर आप ये आम उगाना चाहते हैं तो इस सीजन में आप आम की जो गुठलियाँ हैं वो इकट्ठे कर लें और उनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे मैंने इसकी गुठली का जो ऊपर का हिस्सा है, जो छिलका है ऊपर का जो हार्ड, उसको आप निकाल दें तो उससे आपका जो प्लांट है वो जल्दी ग्रो होगा। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जो आम है उस पे जब हम उसको बीज से लगाएंगे तो क्या उस पे जो फ्रूट है वो आएगा। तो फ्रूट तो उस पे आएगा लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। जैसे कि जब हम बीज से आम को उगाएंगे तो जब उसकी एज हो जाएगी तब वो फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी फ्रूटिंग चाहिए तो आप ऐसे प्लांट से एक ब्रांच ले आए जिससे फ्रूटिंग आती हो, उसकी जो वो ब्रांच है वो अपने इस प्लांट पर ग्राफ कर दें। ग्राफ करने के बाद आपका जो प्लांट है वो नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको फ्रूटिंग जल्दी चाहिए तो प्लांट पे ग्राफ्टिंग करना जरूरी है। मैं आपको बहुत जल्द जो आम की जो ग्राफ्टिंग है वो भी बताऊंगा कि हम आम पे ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ग्राफ्टिंग का जो मेथड है ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा मेथड है। इसे हम ट्री पर जल्दी फ्रूटिंग ले सकते हैं और अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। मैंने इस बार जो गुलाब है उस पर ग्राफ्टिंग की थी, यानी कि जो फ्लावर्स कुछ प्लांट जो होते हैं उन पर मैंने ग्राफ्टिंग करके आपको बताई थी। अगर आप ग्राफ्टिंग की जो मेरी वीडियोज है वो देखना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट जो है आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें सभी जो ग्राफ्टिंग के वीडियो हैं वो है। बाकी फ्रूटिंग की जो ग्राफ्टिंग है वो हम इस सीजन में करेंगे। दोस्तों, बीज कोई भी हो, बीज से प्लांट उगाना बहुत ही इजी है। आपको अगर प्लांट चाहिए तो उसके जो मेथड है, उसके तीन मेथड है जो तीनों बारिश के सीजन में काम करेंगे। जैसे सीड से अगर आपको प्लांट चाहिए तो आप बारिश के सीजन में लगा सकते हैं, अगर आपको कटिंग से प्लांट लगाना है तो आप बारिश के सीजन में लगा सकते हैं, आप एयर लेयरिंग करके भी जो प्लांट है वो लगा सकते हैं। इनमें जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है वो एयर लेयरिंग का है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।